कर्नाटक में जेडीएस के सांसद प्रज्वल रवैना को लेकर सियासत काफी गर्माई हुई है। इस बीच एक सवाल है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है, और वो ये कि आखिर चुनाव के बीच प्रज्वल रवैना के एमएमएस वीडियो कैसे लीक हुए। हालांकि इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। प्रज्वल रवैना के पूर्व ड्राइवर और एक बीजेपी नेता ने एक दूसरे पर वीडियो लीक करने का आरोप लगाया। रवैना परिवार के पूर्व ड्राइवर की माने तो उसने ये वीडियो बीजेपी नेता देवराज गौड़ा को सौंपा था। जानकारी की माने तो इस ड्राइवर का नाम कार्तिक है। कार्तिक ने इस मामले में चौंकाने वाला दावा करते हुए बताया कि मैंने जी देवराज गौड़ा को ये कहते हुए सुना, मैंने कांग्रेस नेताओं को वीडियो वाली पेन ड्राइव दी थी, ये झूठ है। मैंने तब उनसे संपर्क किया था जब वो पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, मैंने ये वीडियो किसी और को नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस पहले जेडीएस के साथ गठबंधन में थी। मैं इस समय बीजेपी नेता के पास गया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। खबरों की माने तो कार्तिके ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि गौड़ा ने पेन ड्राइव बांटी या फिर बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया, मैंने पेन ड्राइव उनके अलावा किसी और को नहीं दिया। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को मैंने दे दिया, अगर मुझे इसे कांग्रेस नेताओं को देना होता तो मैं न्याय के लिए उनके पास ही क्यों गया होता। एक रिपोर्ट की माने तो पूर्व ड्राइवर कार्तिके ने कहा कि प्रज्वल रवैना से दूरी बनाने का कारण ये था कि उनकी जमीन छीन ली गई, मेरी पत्नी को पीटा गया था, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मैंने नौकरी छोड़ दी और अपना हक वापस पाने की लड़ाई में लग गया। बता दे कार्तिक की ओर से ये सफाई तब आई जब गौड़ा ने सोमवार को कह दिया कि कार्तिक ने कांग्रेस नेताओं को वीडियो साझा किया। मामले में पूर्व ड्राइवर ने जोर देते हुए कहा कि मैंने बीजेपी नेता के अलावा किसी और को ये वीडियो देने का फैसला नहीं किया। बता दे देवराज गौड़ा 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मगर वो हार गए थे। उन्होंने आलाकमान को रवैना के खिलाफ इन आरोपों को लेकर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि हासन के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में रवैना के नाम के ऐलान से कुछ महीने पहले वो महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे थे। गौड़ा ने राज्य के पार्टी प्रमुख बीवाई विजेंद्र को इसको लेकर एक पत्र भी लिखा था। बता दें कथित तौर पर प्रज्वल रवैना से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो क्लिप लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज यानी 26 अप्रैल के वोटिंग के एक दिन बाद सामने आया। 26 अप्रैल को रवैना की सीट हासन पर भी वोट डाले गए। वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया, जिसके बाद से ही मामले में रोज चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।